नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटी हुई सीट है भोजपुर विधानसभा। फिलहाल ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी के साथ यहां पटवा परिवार का भी खासा दबदबा है। ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई और पहली बार कांग्रेस के खाते में गई। देखा जाए तो भोजपुर सीट भौगोलिक और सियासी नजरिए से भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण रही है, मगर विकास की बात की जाए तो राजधानी भोपाल से सटी ये विधानसभा सीट आज भी विकास की बाट जोह रही है। इस क्षेत्र की जनता बुनियादी जरूरतों से अब भी महरूम है। क्या है यहाँ की जमीनी हकीकत, क्या रहे दावे और कितने पूरे हुए वादे, ग्राउंड लेवल पर एक नजर भोजपुर विधानसभा सीट से। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हम पहुंचे हैं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये जो मंदिर है, ये माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था और इस मंदिर की अपनी एक महिमा है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये अधूरा मंदिर है। राजा भोज इसको बनवाने के पहले अज्ञात कारणों से ये मंदिर नहीं बन सका। आप देख सकते हैं ऊपर ये मंदिर, इसके ऊपर करीब दो खंड और बनाए जाने थे लेकिन किसी कारण वो नहीं बन सके। राजधानी भोपाल के दक्षिण दिशा की ओर शहर से सटी हुई सीट है भोजपुर विधानसभा। तो आइए आज भोजपुर विधानसभा सीट का हाल जानने की कोशिश करते हैं। कितने हुए थे दावे और कितने पूरे हुए वादे, यहाँ कितना हुआ विकास और कितनों की पूरी हुई आस। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस स्थान पर जो यहाँ की पहचान है, देश ही नहीं विदेश में भी। भोजपुर राजा भोज की अमिट स्थापत्य कला का अद्भुत बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ का शिव मंदिर, जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है, माना जाता है कि ये शिवलिंग एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भगवान शिव के इस मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था, मगर दंत कथा है कि किसी कारण से ये मंदिर अधूरा रह गया। विशाल पत्थरों को इस मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया। कहते हैं इस मंदिर के तीन खंड बनाने की योजना थी, मगर अज्ञात कारण से राजा भोज इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं करा पाए। मंदिर की स्थापत्य कला सोचने पर मजबूर कर देती है कि 1000 साल पहले ऐसा निर्माण कैसे किया गया। बहरहाल चुनावी साल है, हम हाल जानने निकले हैं भोजपुर विधानसभा सीट का और भोजपुर निवासियों का। आज भोजपुर विधानसभा की सीट के बारे में हम जानेंगे पूरा हाल। आप देख सकते हैं भोजपुर विधानसभा सीट में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र भी आता है और हम अभी जिस मंदिर पर खड़े हैं वो 11वीं शताब्दी का मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था। स्थापत्य कला के हिसाब से अगर इस मंदिर को देखा जाए तो अनूठा और अद्भुत मंदिर है और इसी से लगा हुआ मंडीदीप क्षेत्र है, जहाँ पर कहा जाता है कि ये भोपाल की एक उद्योग नगरी भी इसको माना जाता है। यहाँ पर लगातार दो बार से विधायक रहे हैं और अगर इस पूरे विधानसभा सीट की बात की जाए, सुरेंद्र पटवा करीब दो बार लगातार विधायक रहे हैं। इसके अलावा अगर जब से विधानसभा सीट बनी है पूरी चीज देखी जाए तो सिर्फ दो बार कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पर काबिज रही है इस विधानसभा सीट से, बाकी समय भाजपा ने इस सीट पर राज किया है। 1967 में पहले विधायक गुलाब चंद इंडियन नेशनल कांग्रेस से बने। 1977 में परवचंद लखीमचंद जनता पार्टी से विधायक बने। 1980 में सालीग्राम भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। 1985 से सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए। 1990 सुंदरलाल पटवा फिर भाजपा से विधायक बने। 1993 में सुंदरलाल पटवा फिर विधायक चुने गए। 1998 में फिर सुंदरलाल पटवा विधायक बने। 2003 में राजेश पटेल कांग्रेस से चुनाव जीते। 2008 में सुरेंद्र पटवा ने इस सीट से वापसी की। आपको बता दें ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई,
और कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। 1967 में पहले विधायक गुलाब चंद इंडियन नेशनल कांग्रेस से बने और लगातार 10 साल तक विधायक रहे। हमारे पीछे जो अभी आप शिव मंदिर देख रहे हैं, कहा जाता है कि इसको राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और यहीं से 10 जनपद के कद्दावर मंत्री सुरेश पचौरी पिछला चुनाव हारे हैं, जिनको हराने वाले सुरेंद्र पटवा लगातार 2 बार यहां से विधायक हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री भी हैं। और इसके साथ में एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर इस मंदिर के प्रगति की बात की जाए, इस मंदिर के जीर्णोद्धार की बात की जाए, यहां हो रहे कामों की भी बात की जाए, तो अभी आप देख सकते हैं आवारा पशु खुलेआम इस मंदिर में घूम रहे हैं। और इस मंदिर की बदहाली की अगर बात की जाए तो सुरेंद्र पटवा जो खुद संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं, अपने घर की सीट के मंदिर का विकास नहीं कर पाए। भोजपुर विधानसभा सीट इस बार 9वां विधानसभा चुनाव देखने जा रही है, मगर आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है, चाहे सड़क हो या फिर बिजली। इस विधानसभा की दशा यहाँ की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके लिए आज भी लोग यहाँ नाराज दिखे। बात बेरोजगारी की करें तो खुद का धंधा भी मंदा है। बद इंतजामी और बदहाली की दास्तान आप भी देखिए। जनता का फूटा गुस्सा कहीं विधायक जी पर भारी न पड़ जाए। हालात यहाँ तक खराब हैं कि क्षेत्र की जनता अपने स्थानीय विधायक का नाम तक नहीं जानती। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है यहाँ के विधानसभा सीट के बारे में। विधानसभा के आसपास की पूरी सड़कों के हाल देखे जाए तो क्या है, बेकार ही चलना हो तो बेकार ही चलना। सबसे ज्यादा कौन सी सड़क खराब है अभी? ये भी अपनी अब्दुल्ला से वहीं तक खराब है। कितने साल पहले बनी थी? 5-6 साल। रोजगार वोजगार की क्या स्थिति? रोजगार का फिर घूम रहा हूँ मंडीदीप में। अरे बस सोचो ऐसे ही काम है। क्यों मंडीदीप में नहीं मिलता काम? सर अपन तो जाते नहीं होते, खैर अपन तो खेल खेती में है। अच्छा खेती कर दो, खेती के क्या हाल है अभी? अभी सही से लेट है खेती। जो मुख्यमंत्री की योजना है उनको कुछ लाभ मिला है अभी तक? नहीं अभी तो नहीं मिला सर। सुरेंद्र पटवा जी से बात की, कैसे कैसे विधायक हैं, इस बार जिताओगे? अरे हमें तो कोई मालूम नहीं है इनके बारे में, अपन तो खेती में लगे रहते हैं। मिले हो कभी सुरेंद्र पटवा से? 10 साल से विधायक हैं आप, मिले ही नहीं मंत्री हैं आप तो? नहीं नहीं अपन नहीं। कौन है आपके विधायक, कौन है? ये बात तो मैं अपने कोई मालूम नहीं है सर। देखो साहब बात है, अपन तो अंगूठे टेकेंगे आराम से खेती में कराते हैं बस। वोट डालने जाते हो कि नहीं? वोट डालने किसको डालते हो? वोट जो पंचायत में जिस जो डरवाते हो तो उस पर डाल देते। कौन डलवाता है वोट यहाँ पे? आप सर पे डरवाएंगे और कौन? बताइए भाई साहब क्या स्थिति है इस बार? स्थिति तो सब है भाई साहब, स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं है। किस तरह का विकास हुआ है यहाँ? विकास का कोई नाम नहीं है। कार्य में सबसे पहले विकास होने चाहिए यहाँ पे गोरगंज में। यहाँ पे नाली नहीं है, रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है ना। बिजली पानी की भी स्थिति खराब है यहाँ पे। 3-4 दिन में नल आते हैं। विधायक जी कौन है जानते हैं? अब विधायक जी का नाम मैं नहीं जानता हूँ। भोजपुर सीट के सियासी इतिहास की बात की जाए तो कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1985 में जब सुंदरलाल पटवा यहां से पहली बार चुनाव लड़े, उसके बाद से यहां कांग्रेस सिर्फ 2003 में ही चुनाव जीत पाई थी। सीट पर पटवा परिवार का दबदबा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में सुरेंद्र पटवा कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को भी शिकस्त दे चुके हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भोजपुर विधानसभा सीट पर हमारी पड़ताल जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जारी है भोजपुर विधानसभा सीट पर हमारी पड़ताल। 2003 में यहां से पहला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुरेंद्र पटवा शिवराज सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाए गए। भोजपुर का हाल जानने हमारी टीम पहुंची तो जनता जनार्दन ने शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। हालांकि कुछ सरकार के कामकाज से संतुष्ट भी नजर आए। बच्चों को कहा जाता है देश का भविष्य। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम योजनाएं बनाई, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत हम आपको दिखाते हैं भोजपुर विधानसभा सीट पर। ये क्लास है जहां बच्चों को एक ही कमरे में मवेशियों की तरह भरकर पढ़ाया जाता है। कई क्लास के बच्चों को एक साथ एक शिक्षक पढ़ाते हैं, तो कैसे पूरी हो पाएगी बच्चों की पढ़ाई? यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि योजनाएं हैं तो शिक्षक और शिक्षा दोनों गायब। इस मामले में जब स्कूल के शिक्षकों से बात की गई तो दबी जुबान से ही सही शिक्षकों ने सफाई पेश की। मिडिल में दो है। अच्छा, और क्लासेस कितनी है? तीन। टोटल बच्चे कितने होंगे? 65। 65 बच्चे और दो टीचर? हाँ। तो आप लोग फिर कैसे मैनेज करते होंगे? तो बहुत हो जाता है मैनेज। क्लास हम प्राइमरी के हैं, हम तो आज व्यवस्था में इधर। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं? महिलाएं, दोनों महिलाएं। तो वो मतलब उनकी एजुकेशन क्या, वर्ग एक वर्ग दो की है? वर्ग दो की है दोनों, मतलब यानी ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट। बात उस वक्त और गंभीर होती नजर आई जब बच्चों ने बताया कि मध्याह्न भोजन के बाद वो खुद ही अपनी थाली धोते हैं, जबकि नियम के मुताबिक बच्चों से थाली धुलवाना गैर कानूनी है। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर किसी दूसरे मंत्री की, सभी अपने भाषणों में शिक्षा का दम भरते नजर आते हैं, लेकिन जब शासकीय स्कूलों को करीब से देखा जाए तो हालात कुछ और ही होते हैं। पूरे मामले को डीएनएन न्यूज के ब्यूरो चीफ नरेंद्र वर्मा ने खुद बारीकी से देखा और समझा। भोजपुर विधानसभा की सीट में देहरी नीम खेड़ा स्कूल में अभी हम मौजूद हैं, बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश शासन जो शिक्षा का दंभ भरता है और शिवराज सिंह चौहान के साथ में सुरेंद्र पटवा भी बात करते हैं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिडिल स्कूल में तीन क्लासों पे मात्र दो शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित ही इन बच्चों की पढ़ाई पर जरूर फर्क पड़ता होगा क्योंकि दो शिक्षक और तीन क्लास। स्कूल के बाद जब डीएनएन न्यूज का कारवा आगे बढ़ा तो कुछ मजदूरों से भी बात हुई जो सड़क किनारे नौकरी की तलाश में बैठे थे। बात शुरू हुई तो उनका दर्द भी छलक पड़ा। कुछ मजदूर तो कैमरा देखकर भागते नजर आए, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखाई और सीधे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें महज 100 रुपए की पगार पर नौकरी में रखा जाता है, जिसके भुगतान के लिए भी उन्हें कई कई दिनों तक प्रबंधन के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। उसके बाद उन्हें 100 रुपए के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इन तकलीफों को आप भी सुनिए। क्या आपको लगता है ये सरकार आप लोगों को सही तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा पाई है, क्या लगता है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। 300 की हाजिरी जैसे हम चाहते हैं कि 300 रुपए रोज डेली मिले, 8 घंटे के मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं मिलता। 1.5 रुपया भी नहीं मिलता, ये आदमी भटक रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पे विकास किस तरह? विकास में कोई दम नहीं है। यहाँ कंपनियों में सब ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेकेदार खा जा रहा है। 150 रुपए दे दिए, ठेकेदार काम करवा ले रहा, बाकी पैसा ठेकेदार खा जा रहा। साहब ये मजदूर जो खड़े हैं पीटे पे, 100 रुपए इनको साहब 150 रुपए, 100 रुपए जे गरीब की हालत खराब हो रही है। सरकार कर तो रही है, घर तो दे रही है, लेकिन ये मजदूरी नहीं बढ़ पा रही है। 150 रुपए मजदूर की, थोड़ी मजदूरी बढ़ना चाहिए सर। ये दिक्कत है सर, 100 रुपए 150 रुपए ठेकेदार खुद दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है यार। अरे 100 रुपए 150 रुपए ज्यादा नहीं, सब ठेकेदार पैसे खा रहा बीच में। 350 रुपए रेट मजदूरों का वहाँ का रेट है, यहाँ 150 रुपए ज्यादा पोजीशन नहीं है, सब ठेकेदारी ये बंद करवाओ, ये बात है। हमारी टीम ऐतिहासिक धरोहर भीम बैठका भी पहुँची, जो अपनी खूबसूरती और पुरातात्विकों के अक्सर शोध का विषय रही है। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ तकरीबन
700 दुर्लभ गुफाएं हैं, जो सैलानियों को भी अपनी तरफ खूब खींचती हैं। अगर इस जगह का ठीक तरीके से विकास किया गया होता तो शायद ये जगह पर्यटन के लिए दुनिया भर में अपना अलग स्थान रखती। लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होती ये जगह मात्र युवाओं के लिए एक स्थायी अड्डे का रूप ले चुकी है। अभी मौजूद हैं हम भोजपुर विधानसभा के भीम बैठका में, जहां पर आदि मानव माना जाता है कि यहां पर 12,000 साल पुराने शैलचित्रों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे शैलचित्रों को दिखाएं। और यहां पर अगर बात की जाए तो करीब 750 गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में 500 गुफाएं ऐसी हैं जहां पर ये शैलचित्र बनाए गए हैं। माना जाता है कि बीके बावंकर जब भोपाल, मुंबई से भोपाल जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने ये स्ट्रक्चर को देखा। स्ट्रक्चर को देखने के बाद उन्हें ये स्पेन और फ्रांस जैसी कुछ आकृतियां दिखी, जो स्पेन और फ्रांस में पाई जाती हैं। उसके बाद में इसकी खोज हुई और ये 750 गुफाएं हैं जिनमें ये शैलचित्र 500 गुफाओं में पाए गए। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ मैं नरेंद्र, DNN भोपाल। गौरतलब है कि इस प्राचीन जगह की खोज भी एक विदेशी पुरातात्विक ने की थी, जिन्होंने इस धरोहर के रूप में पहचान भी दिलाई। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। स्टार्टिंग से जैसे देखा है वैसे तो लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह है ये, और अभी आगे हम लोग विजिट कर रहे हैं। राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। हाँ। उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? प्रकृति के यहाँ पे सब कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, और हमारे मध्य प्रदेश की शोभा को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया हुआ है यहाँ पे। भीम बैठका से DNN की टीम ने मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज जैसे कई जगहों का भ्रमण किया, जहां एक के बाद एक कई शिकायतें सुनने को मिली। अगर सारी राम कहानी बयां की जाए तो शायद यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार की करनी और कथनी में काफी फर्क नजर आया। लोग सरकार के कामकाज से असंतुष्ट नजर आए। लोग सीधे तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से कहने में कोई गुरेज नहीं रख रहे कि इस बार वो सत्ता बदल कर देखना चाहते हैं। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है इस एरिया में। भोजपुर विधायक है हमारे सुरेंद्र पटवा, वो यहाँ पर तो आते ही नहीं है, और यहाँ पर भोजपुर क्षेत्र में जो है कोई विकास नहीं है किसी प्रकार। हाँ, 10 साल में क्या देखा? 10 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, विकास तो कुछ है ही नहीं। हमारा रास्ता है, हम कम से कम हमारे रास्ते पे घूंटे घूंटे खपते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ाई लिखाई में, रास्ता नहीं है। वहाँ पे लकड़ी का पुल नदी पे डाला है, उस पे से जाते हैं, बच्चे गिरते भी हैं, उठते भी हैं, लगती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उनके लिए भी रास्ता ठीक नहीं है। वहाँ पर की स्थिति क्या है? रोजगार भी कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है, कंपनी जो बनी है तो वो अभी बंद पड़ी हुई है, अभी वो चालू नहीं हुई है। बस यहाँ सागर हुई है चालू, सागर में है सागर तो यहाँ पर इधर के नहीं ले रहे हैं, बर्कनों को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, लोकल वो सब बाहर के लेते हैं वो लोग। यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब, आपके विधायक कौन से हैं? सुरेंद्र पटवा। कैसा विकास हुआ है 10 साल में, उन्होंने लगातार विधायक हैं? नहीं, अब तो वो ख़त्म है, आते जाते हैं ना, कुछ देखभाली हो रही ना कुछ है। हर जिलों में बीमा मुआवजा मिल रहा है, इस जिले में बीमा मुआवजा नहीं मिला 2014 से अभी तक किसी को भी। सड़क वगैरह कैसी है? सड़क भी वो देखे तो आप खुदा हो गए, गड्ढे हैं, सब ख़त्म है, पुल भी नहीं बन रहा। कितनी साल से कह रहा, आज 20 साल हो गई, कहते अभी तक नहीं बन रहा है। विकास का क्या, कुछ भी नहीं है, सब काम गड़बड़ हो रही है, काम होते नहीं है, रोड की हालत ख़राब है, नदी का पुल बन नहीं रही है, नदी पूरा जाती है तो बच्चे 8-8 रोज स्कूल नहीं जा पाते हैं। विधायक जी आते हैं और निकल जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, सुधार क्या हुआ, वो मंत्री बने जब से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक तौर पे करा हुआ काम है, सिर्फ जो रायसेन कलेक्टर रह चुके हैं अशोक साह, उनके कार्यकाल में हुआ है जो भी काम हुआ है, उसके बाद से अभी तक ना वहाँ 2 पैसे का काम नहीं हुआ है। पैसे तो बहुत से सेंक्शन पड़े हैं, वहाँ काम भी हुआ है, लेकिन सिर्फ उनके राज्य में। उसके बाद में हमारे तो विधायक सांस्कृतिक मंत्री हैं, चाहते तो उसको आज पर्यटक स्थल घोषित करके आज गाँव भी अच्छा हो जाता, विकास भी होता, लेकिन उन्हें उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। सर, इस बार तो चांसेस अच्छे नहीं है। तो अभी तक आपने देखा भोजपुर विधानसभा की हकीकत, कहाँ कितना विकास हुआ और लोग सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं। हमने भी देखा, आपको भी दिखाया
अपने विधायक से रहवासियों की क्या अपेक्षाएं रही, उन सभी बातों को यहाँ पर हमने TNN के कैमरे से कैद करने का प्रयास किया। तो ये थी भोजपुर विधानसभा, जहाँ पर लोगों का मिजाज देखा, लोगों का गुस्सा देखा और लोगों की खुशी भी देखी। सुरेंद्र पटवा की अगर बात की जाए तो उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक ओर वो डिफाल्टर घोषित हुए, उन पर चेक बाउंस का मामला भी दर्ज हुआ, वहीं आज जनता की जो गुस्सा है, जनता का जो रोष है वो हमने देखा। कहीं ये रोष, कहीं ये गुस्सा सुरेंद्र पटवा पर इस विधानसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ खान के साथ मैं नरेंद्र, DNN भोपाल। 2018 के चुनाव में बीजेपी क्या फिर सुरेंद्र पटवा पर दांव खेलेगी, तो कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। भोजपुर सीट से इनका नया रहनुमा कौन होगा। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों की कमी नहीं है, सियासतदान और पार्टियां भी अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लग गई हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में मतदाता का मन क्या कहता है, कौन किस दल को चुनता है, तो कौन वोटर्स को लुभा पाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए DNN के साथ। नमस्कार।